आप इधर पर देख पा रहे हो मेरी स्मार्ट वॉच में फोटो लग चुकी है। जैसा कि आप इधर पर देख पाओगे, अगर आपको भी अपनी स्मार्ट वॉच में फोटो वगैरह लगाना है, अपनी T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में फोटो लगाना है, मेरे पास एक नया मॉडल है T800 Ultra 2। जैसा कि आपको बता दूं, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा आप 2025 में T800 Ultra 2 स्मार्ट वॉच में अपनी फोटो कैसे लगा सकते हो। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है, वो ओनली 2800 Ultra थी, लेकिन अभी हमारे पास जो मॉडल है वो एक नया वर्जन है और इसका नाम है T800 Ultra 2। अब इसमें आपको फोटो कैसे लगाना है, चलो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन में आना है और अपने मोबाइल फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इस स्तर पर आपको प्ले स्टोर पर आ जाना और हाई वॉच प्रो को इधर पर टाइप करके इसको डाउनलोड कर लेना है। आप इधर पर जैसे डाउनलोड हो जाएगा, आपको ओपन कर लेना इस एप्लीकेशन को। ओपन करते ही आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, देख सकते हो। तो इधर पर आपको अपनी स्मार्ट वॉच को ऑन करके रखना है, ठीक है। तो इधर पर हमको क्या है, अपनी स्मार्ट वॉच को सबसे पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, उसके बाद ही फोटो लगेगी। सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। जैसे आप ब्लूटूथ को ऑन कर लोगे तो इधर पर आपको सेट वाले ऑप्शन में आना है। जैसे सेट वाले ऑप्शन में आओगे तो इधर पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंड डिवाइस, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप बैंड डिवाइस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने होगी कुछ इस तरह की लोडिंग्स, देख सकते हो इस तरह की लोडिंग्स हो रही है। और इधर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका मॉडल नंबर, जैसा कि आप देखो कि T800 Ultra 2 लिखा हुआ है। तो आपको इधर पर क्लिक करना, आपकी स्मार्ट वॉच चालू रहेगी तभी मॉडल नंबर आएगा। तो आपको सिंपल सा इधर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इधर पर क्लिक कर दोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्ट होने लगेगी, ठीक है। तो इधर पर हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे हमने क्लिक कर दिया तो देख सकते हो इधर पर फर्स्ट इधर पर कनेक्ट होगा, सेकंड, थर्ड, इधर पर फोर्थ तक कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पहले में लिखा आ चुका है, इधर पर दूसरे में भी आ चुका है, और इधर पर तीसरे चौथे में भी आ चुका है। हमारी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो चुकी है। अब आपको कैसे पता करना है कनेक्ट हुई या नहीं हुई, आपको फाइंड वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इधर पर फाइंड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, स्मार्ट वॉच देख सकते हो वाइब्रेट होने लगी, आप इधर पर देखो वाइब्रेट होने लगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कनेक्ट हुई या नहीं हुई है। अब गाइस, अब हम बात करने वाले हैं आपको फ़ोटो कैसे लगाना है। तो बस आप स्क्रीन पर नज़र डालिए, अब मैं आपको बताता हूँ फ़ोटो कैसे लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए आपको सबसे पहले नीचे की तरफ आना है, इधर पर एक ऑप्शन मिलेगा डायल सेटिंग्स का, आपको क्लिक करना है। जैसे डायल सेटिंग्स वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आएगा, अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे आ जाओ। इधर पर देखने के लिए मिलेगा कस्टम डायल, आपको कस्टम डायल के नीचे कुछ थीम देखने के लिए मिलेगी, ओनली 3 देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आपको फर्स्ट वाले या सेकंड वाले, थर्ड पे किसी पे भी क्लिक कर दो तो आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपकी गैलरी से आपको जो भी फोटो अपने स्मार्ट वॉच में लगाना है आपको सिंपल सा उस फोटो को सिलेक्ट करना है। चलो इधर से हम एक अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इधर से ही हम अपनी एक फोटो को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ही, जैसे कि मैं ये फोटो को लगाना चाहूँगा। उसके बाद आपको अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ये इधर पर फोटो आ जाएगी, आपको क्लिक करना है और इसको आपको एडजस्ट कर लें जितना भी आप लगाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं इस तरह से लगाना चाहूँगा, ये मैंने एडजस्ट कर ली। उसके बाद सही वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का, क्लिक कर दो। इंस्टॉल वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे लोडिंग्स होगी, फिर से इंस्टॉल वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे गो इट वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। अब इधर पर आपकी जो फोटो है वो ट्रांसफर होने लगेगी आपकी स्मार्ट वॉच में, इधर पर देख सकते हो कुछ लोडिंग्स चल रही है। तो इधर पर आपको लोडिंग्स होने देना है, और लोडिंग्स होने के बाद ये फोटो है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपकी स्मार्ट वॉच में। चलो हम लोडिंग्स को होने देते हैं और वेट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देखोगे इधर पर लोडिंग्स कंप्लीट ही होने वाली है, आप इधर पर देख सकते हो, और हमारी जो फोटो वो इंस्टॉल होने वाली है और लगने वाली है, देख सकते हो। इधर पर लोडिंग्स इधर पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्मार्ट वॉच ऑफ होके ऑन हो चुकी है, और ये देख सकते हो फोटो लग चुकी है। आप इधर पर देख सकते हो फोटो बिल्कुल HD क्वालिटी में लगती है, ऐसा नहीं है कि भाई लो क्वालिटी में लगती हो। तो फोटो लग चुकी है इधर पर, आप देख सकते हो। तो गाइस, इस तरह से अपनी स्मार्ट वॉच में फोटो लगा सकते हो T800 Ultra 2 स्मार्ट वॉच में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।